गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से रिलेटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था। अब इसके आगे हम सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज का मतलब आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि एटम की साइज, एटम की रेडियस। अब इसमें एटम स्फीयर है तो आप लोगों को इतना तो क्लियर ही होना चाहिए कि स्फीयर का अगर रेडियस निकालना होता है तो हम लोग सेंटर से स्फीयर तक की जो आउटर डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। वैसे ही एटॉमिक साइज में द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। देखो इसमें आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या है कि एटम किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं है और सिंगल है, तो उसको आइसोलेटेड टर्म हम लोगों ने यूज़ के रखा है। तो जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल तक के, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सबसे बाहर वाले सेल, उसको हम आउटर मोस्ट का नाम दे रहे हैं, उतनी डिस्टेंस के लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि एटॉमिक रेडियस देखो इतना इजी नहीं है कि एटॉमिक रेडियस को मेज़र किया जा सके, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो द एग्जैक्ट साइज़ ऑफ एटम बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम एंड मेज़र इट्स रेडियस। मतलब इतना इजी नहीं है कि हम एटम को सिंगल कर सकें, आइसोलेट बना सकें और साथ में उसको उसके रेडियस को मेज़र कर सकें। इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, वहाँ पर हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, कुछ सिंपल तरीके से एटॉमिक रेडियस का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम इसी पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलना चाहेंगे। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन में देखा जाए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एच और एच बीच में सिंगल बॉन्ड बना है दोनों के बीच में और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर यूज़ किए हैं। तो हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखा जाए इनके न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स होगी, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जैसे यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली एक डाटा लिख रहे हैं 74 पिकोमीटर, तो ये वैल्यू देखा जाए हमारे सामने है इसके, और इसी काम करते क्या हाफ़ कर देते हैं तो अपने को एक एटम का रेडियस मिल जाता है। तो ऐसे और भी तमाम दूसरे तरीके भी हैं जिनसे हम लोग एटम का रेडियस निकालते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका हमारे सामने ये भी है। वैसे रियल में इस रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस का नाम देते हैं, फिर भी अगर कोई जैसे तमाम मेटल के रिस्पेक्ट में मेटेलिक रेडियस आता है, आयन के रिस्पेक्ट में आयनिक रेडियस आता है, काफ़ी टर्म आते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बहुत छोटा सा स्टेप एटॉमिक रेडियस का है, तो इसलिए हम इसमें एक सिंपल टेक्निक के थ्रू आप लोगों को एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने की एक देखा जाए सिंपल टेक्निक आप लोगों को दे रहे हैं कि कभी भी कोई भी अगर सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो फिक्स रहेगी और उस डिस्टेंस का आधा करके हम एटम का रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे देखा जाए वेरिएशन इन अ पीरियड मेन तो हमें ये डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब पर आते हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता है एटॉमिक रेडियाई, देखो रेडियाई वर्ड प्लूरल फॉर्म है इसलिए रेडियाई वर्ड लगा है, डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में मूव करेंगे तो एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखा जाए बड़ा सिंपल सा एक इसका रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बिना रीज़न के इस ये कॉन्सेप्ट अधूरा है। व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजेस बट दीज आर एडेड टू द सेम सेल। ये लाइन हमारे बड़े काम की है। अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस में वन वन करके प्रोटॉन इंक्रीज होंगे और आउटर सेल में वन वन करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, क्योंकि देखो आउटर सेल में जो कभी किसी भी पीरियड में जो सेल का नंबर होता है वो सेम होता है हमेशा, वो चेंज नहीं होता। फर्स्ट पीरियड में केवल एक सेल है, सेकेंड पीरियड में दो सेल है, थर्ड पीरियड में तीन है, फोर्थ पीरियड में फोर सेल है, फिफ्थ पीरियड में फिफ्थ सेल है। अगर आपको किसी एलिमेंट के पीरियड का पता करना हो किस पीरियड का मेंबर है तो आप उसके सेल के नंबर को काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके,
आपको अपने आप पीरियड का नंबर पता चल जाएगा। इसी बेसिस पर हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसी भी पीरियड में सेल का नंबर चेंज नहीं होता, केवल आउटर सेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियस में वन वन करके प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो उसी लिए देखा जाए हमने, व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो इंक्रीजेस बट दीज आर एडेड टू द सेम सेल। अब आप जरा देखो इसके आगे हो क्या रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विल अ ग्रेटर फोर्स। ये हमारे काम की लाइनें हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में हैं वो ग्रेटर फोर्स से न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्ट किए जाएंगे एंड आर देयर फोर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब क्लोज यानी खींच दिए जाएंगे आएंगे, हैंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये इसका रीज़न है, आपको जरूर ध्यान में रखिएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विथ अ ग्रेटर फोर्स एंड आर देयर फोर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। यानी किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी, आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर कहीं अरेंज करने का कुछ केस आएगा, क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको हो सकता है कि एक भी एक पार्ट दे दें किसका रेडियस बड़ा है किसका रेडियस छोटा है। अब वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम की जरा हम बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज हो रहा है देखा जाए, दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप देयर इज़ एडिशन ऑफ न्यू सेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इंक्रीजेस एंड देयर फोर साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ये बड़े काम की लाइनें हैं, कभी भी किसी भी हम पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एलिमेंट टू एलिमेंट एक एक नई सेल बनती चली जाएंगी। अब जब न्यू सेल बनेंगी तो होगा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल अगर इंक्रीज होंगी तो न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो टॉप टू बॉटम एटम की साइज़ इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनाना है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। इसके आगे देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रेड कैरेक्टर, ये भी बड़े काम का पॉइंट है। मेटेलिक कैरेक्टर में बी कंसिडर्ड एज द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर की बात देखा जाए, मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन आपने पहले से किया है, मेटल के कैरेक्टर, मेटल लेस्चरस हैं, सोनरस हैं, डक्टाइल हैं, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग एक बड़े सिंपल पार्ट पर मेटल को डिस्कस करते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मेटल स्पेशली ऐसा एलिमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रख रहा है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग मेटल का नाम दे सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट ले रखा है, मेटेलिक कैरेक्टर में भी कंसिडर्ड एज द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। द एलिमेंट्स विच रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन आर मेटेलिक इन नेचर। मतलब जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे उनको हम मेटल का नाम देंगे। मेटल देखो एम, यहाँ पर सिंपली हाइपोथेटिकली एक हमने लगा रखा है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके एम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये इसका देखा जाए सिंपल सा केस है। तो हमारे सिंपल कहने का मतलब स्पेशली यही है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नॉन मेटल की बात आएगी तो नॉन मेटल इसका उल्टा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो नॉन मेटल की सीरीज में हम ले जाएंगे। अब आगे देखो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस वाइल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बड़े काम का पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो एलिमेंट टू एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे देखिए ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को मैंने लिखा है, थर्ड पीरियड में सोडियम और मैग्नीशियम मेटल हैं, सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये देखो तीनों मेटल्स हैं,
सिलिकॉन अपना मेटलॉइड है, इसके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों करेक्टर है, और फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन ये नॉन मेटल है। तो अगर टॉप टू लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि अब टॉप टू बॉटम मतलब इन अ पर्टिकुलर ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। जैसा कि मैंने पहले बता रखा था कि जो करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखा जाए लाइन भी मैंने ले रखी है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, कभी भी मेटल के ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप हमेशा ध्यान रखना, चूँकि टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड का एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और टॉप टू बॉटम ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा। तो कभी ऑक्साइड के बारे में भी ऐसा कुछ अरेंज करने के लिए आए तो आप लोग मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो। अब इसके आगे देखा जाए, एक सिंपल सा मैंने दो तीन और पॉइंट आपके सामने लिए हैं, बड़े अच्छे पॉइंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, आपके सिलेबस के में कहीं एक आध लाइनें ज़रूर मेंशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी से है और आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने से है। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा ये सबसे आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब वही सिंगल कंडीशन में और गैसियस फेज में इन द ग्राउंड स्टेट, उस एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देंगे। जैसे देखिए, मान लो कि ये हमारा एलिमेंट का न्यूक्लियस है, सपोज़ कर लीजिए ये स्पेशली, और ये देखा जाए अलग अलग सेल हैं, अलग अलग ही सेल हैं, मान लो इसमें इस सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाइंड है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाइंड है तो बिना एनर्जी दिए हम इस इलेक्ट्रॉन को अगली सेल में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो इस इलेक्ट्रॉन पर डेवलप हो रहा है वो अट्रैक्शन मिनिमाइज होते होते ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज होते होते एकदम उस सेल में पहुंच जाए, मान लो जिसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल का आप नाम दे रहे हो, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। तो वही जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, इसीलिए हमने लिया है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, मतलब इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। इसी का उल्टा जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि अगर इसी आउटर मोस्ट सेल यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एकदम लास्ट में इनफाइनाइट नंबर वाले सेल में हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में लाना चाहें तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स वर्क करेंगे, एक तो न्यूक्लियस एटम का जो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में आ जाए और इसमें पहले से जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन होगा और न्यूक्लियस और कमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्सन की वैल्यू हाई है और अट्रैक्शन की वैल्यू कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ सकता, और अगर अट्रैक्शन की वैल्यू हाई है इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर और रिपल्सन की वैल्यू कम है तो बड़े आसानी से किसी भी एटम में आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन में हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक लाने में ला सकते हैं, लेकिन उस केस में एनर्जी रिलीज होती है।
तो वही जो एनर्जी रिलीज होती है उसी रिलीज्ड एनर्जी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसी को थोड़ा सा हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट में भी डिफाइंड एज द एनर्जी चेंज, क्योंकि ज़्यादातर केस में एनर्जी लिबरेट होती है, लेकिन किसी किसी केस में एनर्जी देनी पड़ती है। जहाँ पर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने एनर्जी चेंज वर्ड मैंने यूज़ किया है। टेकिंग प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट गैसेस एनायन। जैसे देखो, एक्स हमने हाइपोथेटिकल एक एलिमेंट लिया है, इसको वन इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्स माइनस बन रहा है, और यहाँ पर जो एनर्जी चेंज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानी जाएगी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम इतना दूर ले जा रहे हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं हो जाएगा, मतलब हमारा ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन में क्या हो रहा है कि न्यूट्रल एटम में हम यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के आउटर शेल में एंट्री करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हमारा एटम नेगेटिव आयन बन जाएगा, और आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आप दोनों चीज़ें इस तरह से आपको समझनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट गैसेस एनायन। ये जो हमने सजेशन ले रखी, ये भी वैल्यू देखा जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और टॉप टू बॉटम ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा, और एक छोटी सी वैल्यू हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बड़ा कॉमन हमारे पास टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट सेल्फ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, और दोनों ने अपना ऑक्टेट, दोनों ने अपना डुप्लेट पूरा कर रखा है। अभी जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, और दूसरे हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यही जो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग टेंडेंसी है, इसी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। ऐसे मान लो कि हम H और Cl की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक क्लोरीन ने दिया, दोनों ने शेयरिंग करके देखिए अपना, हाइड्रोजन ने डुप्लर पूरा कर लिया और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो यही जो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट सेल्फ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इस रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैकिंग टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रैकिंग टेंडेंसी है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं बनेगी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों चूंकि एनर्जी से रिलेटेड हैं, इसलिए इनकी जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर मोल या जूल पर एटम, ऐसे हम लोग इनकी यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जूल या किलो जूल में स्पेशली लेते हैं। अब अपना ये पूरा टॉपिक, पूरा अपना सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट है। फोर्थ फिफ्थ चैप्टर का लास्ट वीडियो ये है। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से देखना, नोट्स प्रिपेयर करना, पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करना, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी उन लाइव क्लास में उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।